अस्सलाम वालेकुम। साइबर टीवी के साथ मैं हूँ सना रिजवी। मियाँ बीवी के दरमियान तो झगड़ा चलता रहता है, मगर ऐसा क्या हुआ कि खावंद अपनी बीवी को बाजार में ही छोड़कर दफ्तर चले गए। शौहर को भूलने की आदत है और इस आदत ने इन्हें काफी मुश्किल में तब डाला जब ये बीवी को भूलकर दफ्तर चले गए। गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करने पर बीवी ने शौहर के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया। अलबत्ता ये वाकया जब सोशल मीडिया की जीनत बना तो ये किस्सा काफ़ी वायरल हुआ। इस वाकये पर किसी सारिफ ने कहा कि शौहर का इसमें कोई कसूर नहीं, बीवी को शिकायत नहीं करनी चाहिए। तो किसी ने कहा कि बीवी ने ठीक किया है। ट्यूनिस में पेश आने वाले वाकये के हवाले से कहा है कि एक खातून ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनका शौहर इसे बाजार में छोड़कर दफ्तर चला गया, जिस पर पुलिस ने शौहर से राबता किया और उन्हें थाने तलब किया, जिस पर उनका कहना था कि खातून खरीदारी करने के लिए मार्केट गई, जहां उन्होंने काफ़ी देर लगा दी। इसी दौरान ट्रैफिक पुलिस के अहलकार ने वहां से गाड़ी हटाने का कहा। शौहर का मजीद कहना था कि मार्केट के सामने से गाड़ी हटाकर कुछ फासले पर पार्किंग लॉट में खड़ी की और साथ ही कॉफ़ी शॉप में चला गया ताकि वक्त गुजारा जा सके। इसी दौरान मैनेजर की कॉल आई, जिनसे बातें करने के दौरान मैं ये भूल गया कि अहलिया को मार्केट में छोड़ा है। पुलिस ने शौहर की रुदास सुनने के बाद उनकी अहलिया को इस बात पर कायल किया कि वो दर्ज की गई शिकायत वापस लें। पुलिस के समझाने पर अहलिया ने शिकायत वापस ले ली, जिस पर ही शौहर को थाने से रिहा किया गया। साइबर टीवी में फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए साइबर टीवी के साथ कनेक्ट रहिए।